पिछले क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का दो टाइप, टाइप वन और टाइप टू, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और इसके अनुसार हमने दो तरह के क्वेश्चन टाइप वन और टाइप टू हमने कर लिया था। टाइप वन एक ऐसा क्वेश्चन होता था कि जिसमें सिंपल सिंपल हम लोग रेशियो निकालते थे, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का कुछ रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से लेता था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिया था। और एक क्वेश्चन हमने इक्वली का कर लिया था। इक्वली का मतलब कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना रेशियो इक्वली लेता है। उसमें बताया 2/2 पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो 1/2 से गुना करेंगे, 3 पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो 1/3 से गुना करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने बताया था टी 1/4 ले रहा है, टी 1/4 ले रहा है तो 1/4 को 1/2 से हमने गुना किया, ये 3 पार्टनर था तो 1/3 से हमने गुना किया 1/12। अगर 2 पार्टनर से लेता तो 1/4 गुना 1/2 और फिर उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आज हम लोग चलेंगे टाइप थ्री। टाइप थ्री में देखिए क्या था, टाइप थ्री हमारा किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसे देखेंगे। टाइप थ्री क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, पार्टनरशिप है, एडमिशन ऑफ पार्टनर उसके आगे, हाँ टाइप थ्री, तो टाइप फाइव है। हाँ टाइप थ्री क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें फ्रॉम रहेगा। टाइप थ्री क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड, ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश इज, ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश इज 2:3। रवि और दिनेश का रेशियो कितना है, 2:3। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश, रवि और दिनेश का रेशियो कितना, 2:3, यानी समझ रहे हैं ना, 2/5 और 3/5, 2/5 एंड 3/5। दे एडमिटेड K4, दे एडमिटेड का भी लिख लीजिए, दे एडमिटेड का भी 4 1/6 शेयर। है ना, उन्होंने कवि को एडमिट किया कितना के लिए, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है फुल स्टॉप। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश 2:3, 2:3 है। दे एडमिट कवि, उन्होंने कवि को एडमिट किया 4 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए। उसके बाद लिखेंगे कवि टेक्स 4/36, कवि टेक्स 4/36 फ्रॉम, कवि टेक्स 4/36 फ्रॉम, हाँ आगे आगे, अरे कवि टेक्स 4/36 फ्रॉम, शुरू वाला पार्टनर कौन था, रवि, है ना, बैग पीछे रख के फिर आगे, हाँ रवि लिखेंगे, कवि टेक्स 4/36 फ्रॉम रवि, है ना, रवि कवि ने जो है 4/36 किससे लिया, रवि से लिया, एंड 2/36 एंड 2/36 फ्रॉम दूसरा पार्टनर दिनेश,
36 फ्रॉम दिनेश फुल स्टॉप। हाँ अभी स्टार्ट हुआ। कैलकुलेट न्यू रेशियो बनाइएगा, अगर आप लोगों को आता है तो आप बनाइएगा। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश इज 2:3, है ना। रवि और दिनेश का रेशियो कितना है 2:3। टाइप थ्री क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को सेम टू सेम, लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ जो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, रवि एंड दिनेश। तो ओल्ड रेशियो ऑफ रवि एंड दिनेश इक्वल टू, रवि और दिनेश का जो ओल्ड रेशियो है कितना है 2:3, मतलब लिखेंगे 2/5 कॉमा 3/5, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो नया साझेदार है, नया साझेदार कौन है, कवि। तो न्यू पार्टनर कवि, और कवि के बाद पोस्ट ऑफिस है। न्यू पार्टनर कविज शेयर, नए साझेदार कवि का शेयर। तो कवि का शेयर कितना है, तो देखो कवि का शेयर कितना है 1/6। और ये क्वेश्चन में क्या करें, देखिए पहले यही क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग, सेम टू सेम क्वेश्चन वाली बातें सबसे पहले लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो दिया हुआ कि रवि और दिनेश का ओल्ड रेशियो 2:3 है, 2/5, 3/5, नया पार्टनर का भी 1/6। अब क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, फ्रॉम, क्वेश्चन में क्या देखो क्या लगा हुआ है, फ्रॉम। तो ये याद रखना, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, कि इन लोगों का इतना शेयर है 2/5, 3/5, नया पार्टनर जो कभी आया वो कभी 4/36 रवि से, और 2/36 2/36 किससे, दिनेश से ले रहा है। देखो यहाँ बोल रहा है ना, तो ले रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए, रवि से ले रहा है तो रवि का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिनेश से ले रहा है तो दिनेश में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर आपका, आपका जो है न्यू शेयर, लिखेंगे डायरेक्ट न्यू शेयर, हाँ न्यू शेयर ऑफ, नया शेयर किसका, तो न्यू शेयर ऑफ रवि बराबर, रवि दे दिया है ना, तो न्यू शेयर ऑफ रवि बराबर रवि का नया शेयर। तो रवि का पुराना शेयर है 2/5 माइनस, और रवि ने कितना दे दिया है, तो 4/36। न्यू शेयर ऑफ रवि बराबर लिखिए, न्यू शेयर ऑफ रवि बराबर लिखेंगे तो 2/5 माइनस 4/36, सॉल्व कीजिए कितना आता है, और फिर लिखिए न्यू शेयर ऑफ रवि के बाद दूसरा था दिनेश, न्यू शेयर ऑफ दिनेश बराबर, तो उसी तरह से 3/5 माइनस ये कितना दिया था 2/36, इसको सॉल्व कीजिए। रवि हो गया, दिनेश हो गया, और कवि तो बोला ही है, कवि ने आपका बोला ही है, वो कितना लेगा 1/36। देखिए आप सॉल्व किए 2/5 माइनस 4/36, सॉल्व किए कितना आया, इसको आपने सॉल्व किया, देखिए सॉल्व करके बताइए कितना आता है, ये बताइए कितना आता है। और जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए एलसीएम निकाल के, तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यू रेशियो, है ना, तीनों का न्यू रेशियो आ जाएगा। ये आप किए 4/5, 2/ न्यू शेयर ऑफ रवि बराबर 2/5 माइनस 4/36, 52/180, ये इसका आया नहीं, दूसरे का, दूसरे का देखिए 52/180 फर्स्ट में, और सेकंड में देखिए 98/180, है ना, और तीसरा 1/36। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके नीचे में कितना है 180, सबके नीचे में कितना है 180, तो 1/36, 1/36 को कितना से गुना करें ऊपर नीचे कि 180 बन जाए, है ना। तो
इसको पता लगाने के लिए 180 को अगर 36 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, यानी ऊपर नीचे कितना से 5 बाई 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो 5/180, यानी हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा बाबू, सबका ऊपर वाला लिख देंगे 52 रेशियो 98:5, है ना, यही आएगा ना 52:98:5। ओ सॉरी सॉरी, ये 1/6 था जी, गलत है, 1/6 था। अरे चार्ज नहीं ले रहा वो पल, ये वाला, हाँ इसको दबाइए तो, अरे नहीं ले रहा, और निकालिए चार्जर, हाँ उसको फिर से निकाल के डालिए था। निकाल के डाले, हाँ ले लिया, नहीं लिया, कुछ हुआ क्या, गया आज, कि यही उड़ गया है। आवाज तो करता है जी, हाँ ले लिया, उसमें दिक्कत है, लानी कर, वन मिनट जी आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, हम थोड़ा करते हैं चार्जर हमारा थोड़ा।